भाई आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है और समझना भी। यदि किसी भी बंदे या बंदी को कोरोना वायरस इन्फेक्ट होता है उस दिन से लेकर उसके सिम्टम्स दिखने के दिन तक इन दो दिनों के बीच में 5 से 15 दिनों का गैप हो सकता है और इस गैप को हम इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं। समझ लीजिए यदि इंडिया में 500 केसेस आज हमें इंडिया में मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडिया में आज के डेट में सिर्फ 500 ही केस है। ये वो केस है जो 7 से 15 दिन पहले इन्फेक्ट हुए थे और हमें आज मालूम पड़ रहे हैं। इंडिया में आज भी आज के दिन में कितने लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्ट हुआ है ये किसी को नहीं मालूम और यही इस वायरस की काफी भयानक चीज है, काफी खतरनाक चीज है। समझ लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्ट होता है उसके 10 दिन बाद तक उसके सिम्टम्स दिखते हैं तो उस 10 दिनों के दौरान वो जितने भी लोगों के संपर्क में आता है, जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट में आता है उन सारे के सारे वो कोरोना वायरस इन्फेक्ट होने के दायरे में आ जाते हैं। इटली के बारे में हम सबको मालूम है, किसी से इटली की जो कंडीशन है अभी की वो किसी से नहीं छुपी है। वहाँ तो स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ रहा है कि किसे ट्रीटमेंट दे और किसे ना दे। वहाँ तो मेडिकल सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया है। डॉक्टर को डिसाइड कर रहे हैं कि यदि कोई बूढ़ा कोरोना वायरस इन्फेक्टेड केस आता है या कोई यूथ आता है तो वो ज़्यादातर प्रिफ्रेंस जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो यूथ को दे रहे हैं ना कि एजड को, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं बची है, वहाँ कोई बेड्स कम पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ तो कॉरिडोर्स में इलाज करना पड़ रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होनी चाहिए, जितने भी एडिशनल केसेस होते हैं जैसे एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक के हो गए, उन्हें तो ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जगह ही नहीं है किसी हॉस्पिटल में। हर कंट्री की एक मेडिकल सिस्टम होती है, उसकी एक लिमिटेशंस होती है, यानी वो उतने ही लोगों को इफेक्टिवली ट्रीटमेंट दे पाएगा, मेडिकल सर्विसेज दे पाएगा। यदि ये जो लिमिटेशन है, ये जो दायरा है अगर क्रॉस हो जाता है तो कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती और यही जो डर है ये अभी इंडिया में पनप रहा है और ये हम लोग ने लाइव देखा है इटली में। जो कोरोना वायरस इन्फेक्ट होने के दिन से जो सिम्टम्स आने तक जो गैप है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। यदि थोड़ी भी देर हो जाती है समझने में तो काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और यही चीज़ हम लाइव देखे हैं इटली के केस में, यूएसए, चाइना, ईरान, इन सब के केस में। नाउ इट्स इंडिया। इंडिया में कोरोना ने अपना पैर फैलाना शुरू कर चुका है और हमें इन सब कंट्री से सबक लेनी है और हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे एक्शन लेनी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे बढ़ने से कैसे रोके। हम इसे ठीक तो नहीं कर सकते बट बढ़ने से रोक सकते हैं और जी हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि गवर्नमेंट की, ना बीजेपी की, ना मोदी की, ना किसी एक चीज की, ये हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट सिर्फ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है, ना कि वो आपको किसी चीज से रोक सकता है, ना किसी एक्शन लेने से रोक सकता है। अगर हम सब कुछ जान के भी हम सिर्फ आग बन करके बैठे हैं तो ये गलती हमारी होगी, ना कि गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कोई बेवकूफ नहीं है, वह समझ सकी है ये स्थिति की गंभीरनेस क्या है और इसीलिए तो हमें काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कर्फ्यू हो गया, लॉकडाउन हो गए, बट हमारी जो इंडिया की जनसंख्या है वो 140 करोड़ की आबादी है। हर एक बंदे या बंदी को एक एक चीज सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक चीज को समझे और सोचे और अपने हिसाब से एक्शन ले। हमने ये चीज तो सुना ही है कि जो यूथ पॉपुलेशन है, जो यंगस्टर्स है, उन्हें यूथ कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है और जितने भी जो भी ज्यादातर खतरा है वो बच्चे और बूढ़ों को है। ये चीज अपने दिमाग से निकाल फेंकिए क्योंकि 2 दिन पहले ही 38 साल के युवा की मौत की खबर न्यूज में। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद एक कोरोना वायरस कैरियर हो बट आप इन्फेक्ट नहीं हो रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे कितने लोग हैं आपके अगल बगल में वो किसी को नहीं मालूम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर से बाहर ना निकले और पब्लिक में बाहर ना निकले, किसी से हाथ ना मिलाए, किसी भी कोई चीज़ को हाथ ना लगाए और घर आकर
अच्छे से हाथ धोए। 10 से 15 दिन की बात है, आप किसी से सोशलाइज ना हो। यदि आपके घर पर कोई मेड या ड्राइवर या कुक आते हैं तो उन्हें भी छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि वो और भी लोगों के घर पर काम करते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो खुद एक कैरियर हो। गाइस, हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, हमें खुद से सिचुएशन समझना है और खुद से डिसीजन लेना है। एक गलत कदम और कईयों की लाश बिक सकती है। कल रात से कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है और 21 दिन की बात है। 21 दिन आप अपने घर पर ही रहिए, अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, घर के काम कीजिए और बाहर बिल्कुल ना निकलिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। 21 दिन बाद हम सब इस कोरोना से खतरा निकल जाएगा और हम सब फिर से बाहर घूम पाएंगे। कल रात में ही 95 इटली से खबर आई थी कि 95 एज की जो लेडी है वो ठीक हो चुकी है, और जल्दी एहतियात बरता जाए, कॉशंस लिया जाए तो सिचुएशन टाला जा सकता है, सिचुएशंस बदतर नहीं होंगी। गाइस, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये वीडियो कुछ लोगों तक पहुँचे और वो जो आने वाली, जो आगे आने वाली बदतर स्थिति है उससे वह बच पाए। थैंक यू।